हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम मोरल स्टोरी पढ़ेंगे। इसका टाइटल है डीलिंग विद इमोशंस। ये स्टोरी एक बच्चे के बारे में है जिसमें उसके अंदर काफ़ी सारे इमोशंस होते हैं जिनकी वजह से उसे काफ़ी सारा नुकसान होता है। वो अपनी टीम से बाहर कर दिया जाता है, तो कैसे वो इन पर कंट्रोल करना सीखता है। आई होप ये स्टोरी आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि ऐसे इमोशंस हम सबके अंदर कभी ना कभी उठते ही हैं, तो हमें उन्हें कैसे कंट्रोल करना चाहिए। चलिए हम स्टोरी में सीखते हैं। कैन आई प्ले हॉकी? क्या मैं हॉकी खेल सकता हूँ? व्हाट्स अ पॉइंट ऑफ बीइंग एन एक्सीलेंट हॉकी प्लेयर इफ़ यू हैव टू सिट आउट मोस्ट गेम? यदि तुम बहुत सारे गेम खेलते हो तो तुम अगर अच्छे हॉकी प्लेयर हो, तुम्हारे अंदर क्या पॉइंट होने चाहिए? एवरी टाइम यू लॉस योर टेम्पर यू आर शोन द रेड कार्ड। हर बार तुम अपना धैर्य खो देते हो और तुमको एक रेड कार्ड दिखाया जाता है। आई गिव यू दिस समर टू मैंड योर वेज देव द कोच सेड क्रिमली। देव के जो कोच होते हैं वो उसको सख्ती से कहते हैं, मैं ये समर दे रहा हूँ तुम अपने तरीके सुधार लो। क्यों करते हैं देव के जो कोच होते हैं वो उसको ऐसा वार्निंग क्यों देते हैं? आगे पढ़ते हैं। देव कैप्ट साइलेंट। देव जो था वो चुपचाप रहा। एट अ क्लास एट स्टूडेंट ही रिकॉल्ड हाउ प्राउड ही हैड बीन व्हेन ही हैड वॉन अ प्लेस इन द स्कूल टीम। वो एक क्लास एट का स्टूडेंट था, उसे याद आया कि कैसे उस पर प्राउड किया जाता था जब उसने स्कूल की टीम में अपनी एक जगह बनाई थी। वियरिंग द ब्राइट रेड टी शर्ट इमलेजेंट विथ हिज इनिशियल ऑफ हिज स्कूल फिल्ड हिम विथ प्राइड। वो गर्व से भर जाता था जब रेड कलर की टी शर्ट पहने हुए स्कूल की टीम के जो लोग थे वो सब उसकी स्कूल में जब सब उसकी प्रशंसा करते थे। However, while they was undoubtedly a star player, the use of any unfair tactic, bullying or name calling by the opposing team drove him mad enough to hurl abuse and threats at other players. यानी कि बेशक वो एक अच्छा स्टार प्लेयर था, अच्छा खेलता था देव, उसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन उसके सामने वाली जो टीम थी, जो अपोजिट टीम थी, उसको गलत शब्दों का यूज करके नेम से चिढ़ा कर उसको कई बार परेशान करती थी, जिससे वो पागल सा हो जाता था। और वो इसकी वजह से कई बार गाली भी देता था अदर टीम प्लेयर्स पर, अदर लोगों पर इसका गुस्सा कभी कभी उतार देता था। फिर क्या होता है, द कोच अल्टीमेटम वॉज द रिजल्ट ऑफ वॉट हैपन्ड अर्लियर इन द डे। जो कोच का जो अल्टीमेटम जो दिया गया था, कोच ने उसको जो ये वार्निंग जो दी थी इस तरह से, वो कुछ दिन पहले जो हुआ था उसी का परिणाम था। क्या हुआ था कुछ दिन पहले, बीवी इंटरनेशनल वॉज प्लेइंग अ मैच अगेंस्ट चार्ट्सवुड अकेडमी। बीवी इंटरनेशनल कौन था? जो देव की जो टीम थी, देव का जो स्कूल था उसका नाम था। तो बीवी इंटरनेशनल बीवी इंटरनेशनल जो था वो चार्ट्सवुड अकेडमी के अगेंस्ट मैच खेल रहा था। द मैच वॉज गोइंग स्मूथली अंटिल देव पास्ड द बॉल टू हिज कैप्टन हु स्कोर्ड अ गोल। मैच बहुत अच्छे से चल रहा था जब देव ने अपने कैप्टन को बॉल पास की और एक गोल करके एक स्कोर बनाया। अ फ्यू मिनट्स लेटर सम CWA सपोर्टर बिगेन कॉलिंग द BVI प्लेयर्स नेम। कुछ मिनट के बाद CWA के सपोर्टर जो थे वो BVI प्लेयर्स को नाम से चढ़ाने लगे, गलत नामों से चढ़ाने लगे। देव हैड टाइटन ऑन हिज स्टिक। देव ने अपनी स्टिक को, यानी कि जो उसके हाथ में हॉकी स्टिक थी ना, उसने उसको बड़ा टाइट पकड़ा। टाइट क्यों पकड़ा? गुस्से के मारे। वेन अ CWA प्लेयर ट्रिप्ड देव टीममेट देव चार्ड एट द प्लेयर एंड पुश्ड हिम टू द ग्राउंड। देव ने क्या, जब CWA के प्लेयर ने देव के टीम के जो प्लेयर थे उसको फिसला दिया, तो देव उसके पास गया, उस प्लेयर के पास, उसने उसको पुश किया ग्राउंड में और धक्का दे दिया। देव वॉज सेंट आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम। देव जो था इसकी वजह से उसको गेम से बाहर कर दिया गया, इसीलिए उसको कोच जो थे उन्होंने उसको ये अल्टीमेटम दिया था। यू डोंट लुक लाइक अ बॉय हु समर हॉलीडे हैव जस्ट बिगेन। देव स्वंग राउंड टू सी हिज हिंदी टीचर मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा जो उसके हिंदी टीचर थे, उन्होंने उससे कहा, उसकी तरफ देखकर कहा, तुम उस बच्चे के जैसे नहीं लगते जिसकी समर हॉलीडे जस्ट अभी शुरू हुई हैं। व्हाट्स अ शेयर व्हाट वांट टू शेयर व्हाट कोच सेड मिस्टर शर्मा एडिट कार्डी। मिस्टर शर्मा ने बड़ी दयालुता से उससे पूछा, क्या तुम शेयर करोगे जो तुमसे कोच ने कहा? क्या कहा कोच ने? देव पॉड हिज हार्ट आउट टू हिंदी टीचर हु लिसेंड इंटेंटली। देव ने अपने दिल की सारी बात हिंदी टीचर को बताई और उन्होंने भी बड़े अच्छे से सुनी। द प्रॉब्लम सेड मिस्टर शर्मा इज दैट यू टेक योर गेम टू सीरियसली। प्रॉब्लम क्या है मिस्टर शर्मा जो थे, उन्होंने कहा, प्रॉब्लम है क्या तुम अपने गेम को बहुत सीरियसली लेते हो? और दैट एंड दैट इज योर एंड दैट
इज पुटिंग यू अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, और इसकी वजह से तुम काफ़ी सारा स्ट्रेस हो जाता है. सिंस यू प्ले फेयर यू एक्सेप्ट एवरी वन एल्स टू प्ले द सेम वे, क्योंकि तुम अच्छा खेलते हो इसलिए तुम सभी से ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हो, वैसे ही करते हो जैसे तुम खेलते हो. वाइड वैन दे डोंट यू लॉस योर कूल, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करते हैं तो तुम अपनी कूलनेस यानी कि तो अपने माइंड की जो ठंडक होती है उसको खो देते हो. देव नॉट डिड, दे चुपचाप रहा. इट वॉज एज इफ हिज टीचर कुड सी राइट इन टू हिज हार्ट एंड माइंड, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हिंदी की टीचर ने उसके दिल की बात, दिमाग की बात बिना उसके बोले ही अच्छे से समझ ली, उसको पहचान लिया, देख लिया उन्होंने. वॉट कैन आई डू अबाउट माई आउटब्रस्टर सर, सेड द बॉय. बॉय ने कहा सर मैं क्या करूँ अपने अंदर, ये मेरे अंदर जो आउटब्रस्टर्स होते हैं इनको, इनके लिए मैं क्या करूँ. देव अपने टीचर से पूछता है. द वे टू गेन कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, सेड मिस्टर शर्मा, इज टू रिकॉग्नाइज देव. मिस्टर शर्मा ने कहा तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल करने का तरीका है, क्या तुम उन्हें पहचानोगे, पहचानते हो. द नेक्स्ट टाइम योर फीलिंग्स वेल अप इनसाइड यू ऑब्जर्व हाउ योर बॉडी रिएक्ट, अगली बार तुम्हारे अंदर जब इस तरह की फीलिंग उठे तुम ऑब्जर्व करना अपनी बॉडी के रिएक्शन को, यानी तुम्हारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है उस समय, तो तुम उन्हें पहचानना. जैसे कि पे अटेंशन टू योर पोस्चर ब्रीथिंग बॉडी टेम्परेचर एंड हार्ट रेट, यानी कि तुम अपनी बॉडी के पोस्चर को ब्रीथिंग तुम्हारी सांस उस समय कैसी चल रही होती है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हार्ट रेट क्या होती है, और इन सभी को तुम ऑब्जर्व करना. देव लोग अनकन्विंसिड, देव जो था बड़ा असंतुष्ट था, चुपचाप सा देखता रहा. ही वुड ऑल हिज हेल्प हिम बिहेव बेटर वाइल प्लेइंग, कैसे ये सब उसको जब वो खेल रहा होगा तो ये सब चीज़ें कैसे उसके बिहेव को बेटर बनाने में हेल्प करेंगी. मिस्टर शर्मा आंसर्ड हिज अनस्पोकन क्यूरी, मिस्टर शर्मा ने उसके बिना बोले ही उसकी जिज्ञासा का जवाब दिया. व्हेन वन डज दैट द माइंड इज डाइवर्टेड फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस इन योर केस एंगर, जब तुम्हें गुस्सा आ रहा होता है जो तुम्हारा माइंड नेगेटिव इमोशंस में डाइवर्टेड हो जाता है, वहाँ से चला जाता है. व्हेन यू रियलाइज अर्ली ऑन डैट यू आर गेटिंग एंग्री, यानी जब तुम्हें गुस्सा कर रहे होते हैं, जब तुमको पता चलता है गुस्सा आ रहा है, यू कैन प्रिपेयर टू एक्सप्रेस योर एनवेंस द राइट वे, तुम्हें तुम अपने उस गुस्से को उस तरह जब तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम उसे एक्सप्रेस करना चाहते हो और चूज नॉट टू एक्सप्रेस डैट, पर ऐसा कर नहीं पाते हो. ट्राई इट इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर, आई विल बी इन द स्कूल लाइब्रेरी ऑल थ्रू द वैकेशन, कोशिश करो और यदि तुम और भी अधिक जानना चाहते हो तो मैं इस स्कूल लाइब्रेरी में इन सब वैकेशन में हूँ, वहाँ पर आ सकते हो. द नेक्स्ट डे दे वॉन्टेड टू प्ले अ न्यू गेम सीडी आफ्टर डिनर बट फाउंड हिज ब्रदर ब्राउजिंग द इंटरनेट, अगले दिन देव जो था अपने डिनर के बाद में घर में रात में डिनर के बाद में न्यू गेम्स खेलना चाहता था, बट फाउंड हिज ब्रदर ब्राउजिंग द इंटरनेट, बट उसका भाई जो था उस समय इंटरनेट चला रहा था. आई एम नॉट गिविंग यू द कंप्यूटर नाउ, मैं तुम्हें भी कंप्यूटर नहीं दे रहा हूँ. वेट फॉर ए हाफ एन आवर हिज ब्रदर नीड टोल्ड हिम हॉटली, उसका जो देव था उसने बड़े अहंकार से कहा आधे घंटे के लिए वेट करो, ठीक है, उसके भाई ने उससे ऐसा कह दिया. यू आर सच अ देव विगन बट स्टॉप, देव ने कहा तुम जैसा एक, और बस इतना कह के ही वो देव चुप हो गया, मतलब वो कुछ कह रहा था बट आधी लाइन ही कह पा रहा, उसके बाद चुप हो गया, रुक गया वो. ही नोटिस दैट ही वॉज फीलिंग नो हॉट, हिज फॉरहेड वॉज कवर्ड विद बीड्स ऑफ स्वेट एंड द नर्व्स अराउंड हिज टेम्पल्स वर थ्रोबिंग फ्यूरियसली, यानी कि उसने नोटिस किया कि उसके वो गर्म महसूस कर हो रहा है उसे, और उसका जो फोरहेड है यानी कि जो माथा है वो पसीने की बूंदों से पूरा कवर हो चुका है, और उसकी नर्व्स उसके जो टेम्पल्स हैं माथे पर जो हमारी कनपट्टी होती है, फेस टेम्पल्स जो होते हैं वो साइड में कनपट्टी के साइड में होते हैं टेम्पल्स, वो जो था वो उनको दर्द होने लगा गुस्से के मारे, जो गुस्सा आ रहा था उसे, तो ये सब उसने ऑब्जर्व कर लिया अपनी बॉडी में. क्राई बेबी वो कंप्लेन टू पापा नीट सीनियर डेव स्टॉर्म आउट, उसके भाई ने कहा नीट ने चिल्लाते हुए जाओ पापा से कंप्लेन कर दो जाओ, और देव वहाँ से चला आया. व्हाट्स अ पॉइंट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग दैट आई एम एंग्री व्हेन आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, देव फ्यूम इन ही रूम, देव अपने रूम में आके बड़बड़ाता है क्या पॉइंट था जब मुझे गुस्सा आ रहा था बट मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं गुस्सा आ रहा था मुझे मैं उसको पहचान नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया. द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेंट टू द लाइब्रेरी टू मीट मिस्टर शर्मा, यू आर बैक सूनर देन आई एक्सपेक्टेड सेड मिस्टर शर्मा विद अ स्माइल, अगली सुबह देव जो था मिस्टर शर्मा से मिलने लाइब्रेरी में गया और मिस्टर शर्मा उससे स्माइल के साथ कहते हैं तुम इतनी जल्दी आ जाओगे,
मुझे उम्मीद नहीं थी, मिस्टर शर्मा ने उससे कहा। देव टोल्ड हिम अबाउट द इंसिडेंट एट होम। देव ने अपने जो इंसिडेंट हुआ था अपने साथ में एक दिन रात को अपने भाई के साथ में, वो सारी घटना उनको बता दी। वंस यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग योर इमोशन द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंट्रोल देम, एक्सप्लेन मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा ने कहा एक बार जब आप अपनी इमोशंस को पहचानना शुरू कर रहे हो, अगला स्टेप ये है कि तुम्हें इनको कंट्रोल करना होगा। इफ़ यू फील अ नेगेटिव इमोशन डैट यू थिंक शुड बी कंट्रोल वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन डैट इज कॉजिंग इट। उन्होंने कहा यदि तुम नेगेटिव इमोशंस में जा रहे हो, तुम्हें नकारात्मक सोच तुम्हारे अंदर आ रही है, तुम्हें उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, तुम्हें वहाँ से सिचुएशन से वहाँ से दूर चले जाना चाहिए जिस वजह से तुम्हें गुस्सा आ रहा है। सर दैट टैक्टिक मे वर्क एट होम बट आई कैन पॉसिबली वॉक अवे फ्रॉम द हॉकी फील्ड टू कूल ऑफ, रिटोर्टेड डेव इरिटेबली। देव ने बड़ा इरिटेबली होकर चिड़का जवाब दिया, सर ये तरीका मेरे घर में काम करेगा बट मैं हॉकी फील्ड में वहाँ से कैसे जा सकता हूँ, वहाँ से कैसे इसको इस तरीकों को यूज कर सकता हूँ, देव ने अपने टीचर से कहा। देव की टीचर क्या कहते हैं, देव मिस्टर शर्मा के देव की टीचर क्या कहते हैं, यू विल हैव टू चैनल योर नेगेटिव इमोशन पॉजिटिवली। तब तुम्हें अपने नेगेटिव सोच को पॉजिटिवली लेना होगा, जैसे कि फॉर इंस्टेंस इफ अपोजिंग टीम इज टॉन्टिंग यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बॉल। जब तुम्हारी सामने वाली टीम तुम पर टॉन्ट कर रही है, कमेंट कर रही है, तो तुम अपना पूरा ध्यान अपनी बॉल पर देना है। टेल योर सेल्फ डैट यू विल पास द बॉल टू एक्स प्लेयर और टू एक्सपोजिशन सो डैट योर टीम कैन स्कोर और सेव अ गोल। यानी कि तुम्हें अब ये सोचना है, अपने आप को बताना है कि तुम्हें ये बॉल कहाँ पास करनी है, किस प्लेयर को पास करनी है, किस पोजीशन में करनी है, जिससे तुम अपना स्कोर बना पाओ, अपना एक गोल बचा सको, और तुम्हें इसको इस तरह से तुम्हें रिएक्ट करना है एक सही मैनर में, ठीक है, जब तुम ऐसा महसूस कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस और इसके अलावा इफ़ यू आर एग्जेपेटेड फॉर योर सेल्फ टू हम योर फेवरेट, इसके अलावा ये तुम हताश हो रहे हो तो तुम अपनी कोई फेवरेट ट्यून भी गुनगुना सकते हो, फेवरेट धुन गुनगुनाओ कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम स्माइल करो। यू विल स्लोली बट श्योरली फील योर नेगेटिव इमोशन गिविंग वे टू पॉजिटिव वंस। तुम्हें धीरे करोगे बट तुम ये कर लोगे, अपने नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में ला पाओगे। दैट इवनिंग दैट फ्रेंड केम ओवर फॉर अ गेम ऑफ स्क्रैबल। उसी शाम को देव के कुछ दोस्त उसके घर स्क्रैबल गेम खेलने के लिए आए। दे वॉज प्लेयर अपोजिट हिज ब्रदर, द गेम वॉज राइट। देव जो था अपने भाई के सामने वाली टीम में था और गेम बिल्कुल ठीक था। नीट न्यू देव्स वीकनेस, मिसिंग यू आर हॉकी स्टिक आर यू और बाई नाउ यू वुड हैव स्वंग इट एट मी। नीट जो था वो अपने भाई की वीकनेस पहचानता था, उसे पता था कि देव को जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसे हो जाता है इसके साथ में गेम में। तो उसने उससे कहा क्या तुम अपनी हॉकी स्टिक भूल चुके हो, मिस कर रहे हो और तुम अब मुझसे यहाँ पर खेल रहे हो, मुझसे यहाँ जीतने की कोशिश कर रहे हो। उसने टीम ने और उसने जो था नेट ने जाता उसने देव को ताना मारा। देव रिमेंबर मिस्टर शर्मा एडवाइस, देव को जो था मिस्टर शर्मा का एडवाइस याद आ गया। आई वॉन्ट रिएक्ट, मैं रिएक्ट नहीं करूँगा। ही इज ट्राइंग टू मेक मी एंग्री सो दैट आई लॉस माई कंसंट्रेशन, देव टोल्ड हिमसेल्फ। देव ने खुद को बताया कि वो उसका भाई जो है उसको कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी जो गेम है उससे मेरा ध्यान हट जाए, मैं अपना कॉन्सेंट्रेशन खो दूँ और मैं हार जाऊँ, यही तो चाह रहा है मेरा भाई। He focused on the game. उसने अपना फोकस गेम पर बनाए रखा। I will make a five letter word snare. Yes, Dave pumped his fist as he told the word. और देव ने क्या किया, जिसको जो स्क्रैबल जो गेम था उसमें वो लेटर बना रहा था, फाइव लेटर वर्ड स्नेयर स्नियर स्टायर कुछ इस तरह के वर्ड बना रहा था, तो उसने बना लिए और बना के उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और फिर बोला यस, यानी कि जैसे कि वो वर्ड उसको मिल गए, जैसे ही उसको वर्ड मिल गए तो उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बोला यस। फील्स लाइक अ गोल डज इट, स्टिल वॉन्ट टू ब्रेक सम बॉन्स, नीट ट्राइड अगेन। अब नीट जो था वो समझ गया कि देव तो इसने तो अपना कोई ध्यान ही नहीं, इसने तो मैंने उसको गुस्सा दिलाया पर इसने तो अपना गोल फिर भी बना लिया, अपने जो गेम जो वर्ड थे वो फिर भी बना लिए। तो उसने क्या किया, क्या तुम इसे अच्छा महसूस करते हो, अब क्या तुम अपनी हड्डियाँ तोड़वाना चाहते हो, नीट ने फिर से कोशिश की। देव ट्राइड द नेक्स्ट ट्रिक, अब देव ने क्या किया अपनी अगली ट्रिक शुरू की। अगली ट्रिक क्या किया उसने, ही थॉट ऑफ हिज फेवरेट सॉन्ग एंड बिगन हमिंग इट, उसने अपना फेवरेट सॉन्ग सोचा और उसको गुनगुनाना शुरू कर दिया। ही स्लोली फेल्ट हिज हार्ट गेटिंग लाइटर एंड हिज माइंड कामर, जल्दी उसे महसूस होने लगा कि उसका जो दिल है वो हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है। ही इवन स्माइल्ड अ लिटिल, उसने थोड़ी सी स्माइल भी की। और इफ आई कैन डू
It in Scrabble, hockey shouldn't be too different. उसने स्माइल्स की कि यदि ये सब स्क्रैबल में मैं कर सकता हूँ तो हॉकी में भी बहुत अधिक डिफरेंट नहीं होगा. देव थॉट हैप्पी, देव ने बड़ा खुश होकर सोचा. enjoying the look of bewilderment of his brother's face. और देव के जो भाई का जो फेस था वो देव के फेस को देख के हक्का वक्का रह गया. मतलब वो सोचता ही रह गया कि ये क्या, देव में इतना चेंज, मैंने इतनी कोशिश की, इसको कमेंट किए पर इसको तो कोई असर ही नहीं हुआ और इसने अपना गेम जीत लिया. तो बच्चों इस तरह की सिचुएशन हम सब के साथ होती है. हमें कभी कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, कोई चढ़ाने की कोशिश करता है तो हम अपना पेशेंस खो देते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे जो गुस्सा, ऐसे जीलियस ये सब हमारे अंदर होते हैं, इरिटेशन कभी कभी हमें आ जाता है, तो हमें इससे किसी दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए. हमें इस स्टोरी से यही सीखने को मिलता है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने इन चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले आना चाहिए. जैसे कि इसके हटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना कोई फेवरेट वर्क कर लेना चाहिए, वहाँ से दूर चले जाना चाहिए. अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो अपना ध्यान गेम में लगाना चाहिए, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में ध्यान लगाओ. उस चीज़ों को, उन चीज़ों जिनसे आपको कोई ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको कमेंट कर रहा है, तो आप उन सबसे दूर रहो, वहाँ से चले जाओ थोड़ी देर के लिए, या आपको फिर अपना कोई फेवरेट वर्क कर लो, कुछ नहीं तो गीत ही गा लो, कोई भी गीत गुनगुना लो. इस तरह से हम इन तरीकों को यूज करके अपने आप को एक बेटर इंसान बना सकते हैं, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आती है, और ये इन चीज़ें हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर बनाती हैं. आई होप आपको स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. अगर आप और भी एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें. अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी सिचुएशन देव के जैसी बन जाती है तो आप उनसे ज़रूर शेयर करें. और आपको किस तरह के एजुकेशनल वीडियो और चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं. थैंक यू.